2013 सिविल, एक और मस्त सवाल। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 6 कॉस ऑफ 3 थीटा दी होल पावर 4 साइन ऑफ 6 थीटा दी होल पावर 3 डी थीटा इज ए बी सी या डी। दो मिनट में आपको दूंगा, सोचो, सोच विचार कर लो क्या करना चाहिए, फिर उत्तर बताओ। हेमंत भी कह रहे हैं बॉम्बे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से कोई बात हल नहीं हो रही है। देखो ना, पावर 4 है, पावर 3 है, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मदद नहीं करेगा। तो हमेशा ऐसे आपको थॉट प्रोसेस क्लियर रखना पड़ेगा। तो इंटीग्रल 0 से पाई बाई 6, उसके बाद कॉस टू द पावर 4 3 थीटा, साइन क्यूब थीटा है ना, तो उसको तो बाद में, क्यूब को बाद में देखेंगे, साइन 6 थीटा को पहले कहेंगे 2 साइन 3 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा दी होल पावर 3 डी थीटा। चलिए इस कैलकुलेशन को आगे लेकर चलता हूँ, नहीं तो कहोगे सारा यही करना चाहते हो, बचत कर रहे हो स्लाइड्स की सर जी। चलिए तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हो 2 क्यूब जो है वो 8 है, तो 8 बाहर आ गया। इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 6 कॉस टू दी पावर 4 3 थीटा साइन क्यूब 3 थीटा कॉस क्यूब 3 थीटा डी थीटा। अब आगे क्या हो रहा है? इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 6, यहाँ पर आप देख सकते हो कॉस और कॉस के जो प्लेयर है साथ में जोड़ लेंगे, सो कॉस टू द पावर 7 थीटा सर, उसके बाद ये साइन का बच्चू यहाँ पर, ओए इधर सर जी 3 थीटा है। अब आगे क्या करना है, प्लीज एनलाइटन, आगे आपने क्या किया? सर ये 3 थीटा में मजा नहीं दे रहा है सर, इससे आगे सॉल्व नहीं होगा, ये 3 थीटा का बच्चा इसको कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पर हम कहेंगे लेट अस से 3 थीटा इज इक्वल टू टी, तो क्या कह सकते हैं? डी थीटा इज इक्वल टू डी टी बाई 3, एवरीवन इन द कमेंट सेक्शन। सब्स्टिट्यूशन की बातें चल रही है, ध्यान से देखना, जब भी सब्स्टिट्यूशन करो डेफिनाइट इंटीग्रेशन में 3 बातें होनी चाहिए। थीटा को कन्वर्ट कर दिया, डी थीटा को कन्वर्ट कर दिया सर, लिमिट्स, हाँ लिमिट्स का ध्यान रखना। मैंने देखा है बच्चों को हड़बड़ी में गड़बड़ी करते हैं, लिमिट्स को भूल जाते हैं, आप मत भूल जाना। थीटा जो है 0 से पाई बाई 6 जा रहा है, तो सर टी जो है 0 रखने पर या पर थीटा को, तो टी भी 0 होगा, बट जब थीटा को पाई बाई 6 रखा तो फिर टी जो हुआ वो 3 इंटू पाई बाई 6 यानी पाई बाई 2 हो गया। अरे हा कि ना, और जब अपर लिमिट को पाई बाई 2 देखा ना, दिल बाग बाग हो गया। अब फेवरेट है ना, फिर आप धीरे धीरे आपको पता चलेगा सर ये तो एडवांस वाली थियरम के फॉर्मेट में आ रहा है। चेक कर लो, 8 इंटू इंटीग्रल जो है 0 टू पाई बाई 2 जा रहा है, ये टी का आप कहानी चल रहा है, कॉस टू दी पावर 7 टी साइन टू दी पावर 3 टी और डी थीटा जो है डी टी बाई 3 में कन्वर्ट हो गया। ये जो डिवाइड बाई 3 है ना, इसको यहाँ पर निकाल देता हूँ बाहर। अच्छा अब आगे बताना, ये फॉर्मेट कहीं देखा है? अब कुछ बच्चे कहेंगे अरे सर ये तो गामा फंक्शन, यूलर गामा फंक्शन में देखा है। अच्छा एक बच्चे कहेंगे सर ये तो आपने एडवांस वाली थियरम ये सिखाया सर जी आपने, तो जैसे भी आपको जाना है आप जा सकते हो, जो रास्ते आपको पकड़ने आप पकड़ सकते हो। मैं तो फास्टेस्ट रास्ते पर बिलीव करता हूँ, तो मैं तो कहूँगा एडवांस वाली थियरम। एडवांस वाली थियरम क्या कहता है? कहता है न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर आपका आंसर होगा, और ये जो है 7 और 3 दोनों को ऐड कर लो, कितना हुआ 10 लिखो, दो दो कदम पीछे चलो, 10 माइनस 2 8, दो कदम पीछे 6, दो कदम पीछे 4, दो कदम पीछे 2। अब ये मत कहना दो कदम और पीछे और 0, तो फिर क्या ही सेंस बना, 0 पर नहीं रुकना है, 1 या 2 पर रुकना है, 2 आ गया रुक गए। अच्छा न्यूमरेटर, सर न्यूमरेटर में है ना पहले 7 माइनस 1 कर लो, तो वो हो गया 6। अब दो दो कदम पीछे चलो, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 2 2। अब अगर पीछे मत चलना नहीं तो 0 आ जाएगा, 0 नहीं चाहिए। अच्छा इधर भी 3 माइनस 1 कर लो 2, अब पीछे तो जा नहीं सकते, हो गया डन एंड डस्टेड। बट आखिरी में रिटर्न गिफ्ट, एक स्पेशल टर्म मल्टीप्लाई, जब दोनों ऑड हो जाए तो क्या मल्टीप्लाई करोगे सर? 1 मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, ये एडवांस वाली थ्योरम की कहानी। अब फाइनली सिंप्लीफाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, जैसे 6 6 से कट रहा है, 4 4 से कट रहा है, 2 2 से कट रहा है, और भी काटने पड़ेंगे ऐसे टर्म, 8 8 से कट रहा है, 2 1 जार 2 5 जार 5 इंटू 3 15, यही तो आया था। किसने कहा था ये 1/15? सबसे पहले कहा था पीछे यहाँ पर सबसे पहले मिश्रा जी ने कहा था, फिर हेमंत ने कहा था 1/15, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मजा आ गया, समझ में आ गया तो बोलो यस।